नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ एस्ट्रो गुरु उज्ज्वला और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जगन्नाथ यात्रा जो 1 तारीख को शुरू होने वाली है जुलाई में, लेकिन उसके 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ भक्तों से दूर क्यों हो जाते हैं। दर्शकों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चौथा महीना आषाढ़ धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। आषाढ़ मास में ही जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली जाती है। मान्यता है जो भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं उन्हें 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस साल 2022 में जगन्नाथ यात्रा ओडिशा के पुरी में 1 जुलाई को निकाली जाएगी। माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान के बाद यानी जगन्नाथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से दूर होकर एकांतवास में चले जाते हैं और आज हम इस वीडियो के जरिए जानते हैं इसके पीछे की ये क्या मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्नान के दौरान खूब सारे पानी से नहाने के कारण भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और इसलिए 15 दिन के लिए उनका एकांत में उपचार किया जाता है। साथ ही भोजन भी उन्हें सादा दिया जाता है। इस कारण 15 दिनों तक भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं मिलते। इसके बाद भगवान की सेहत ठीक होने पर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हर साल भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है, जिसका भव्य रथ भक्तों द्वारा ही खींचा जाता है। इस वर्ष 2022 में 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 3 रथ सजाए जाएंगे। 1 रथ पर भगवान जगन्नाथ, दूसरे पर भाई बलराम और 3रे रथ पर देवी सुभद्रा विराजमान होंगे। 3 रथों को गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाएगा। फिर वहां 7 दिनों के विश्राम के बाद दशमी तिथि पर भगवान पुनः अपने मुख्य मंदिर लौट जाते हैं। मान्यता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा का उद्देश्य उन भक्तों तक पहुंचना है जो किसी कारण से भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। वहीं कई पुराणों में भी इस रथ की यात्राओं का वर्णन मिलता है। तो दर्शकों, ये वजह थी भगवान के एकांतवास में जाने की। आपको ये मान्यता कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और ज्योतिष से जुड़ी हर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें वैदिक टीवी।